सनातनी कर्म, सनातनी विचारधारा, गौ पूजन, गोपुष्टि कर्म। श्री श्याम गौशाला श्री डूंगरगढ़ बीकानेर में भव्य गोपुष्टि कर्म का आयोजन। यजमान श्री आसाराम जी, धापू देवी सुथार के पुत्र ओम प्रकाश जी एम वधु द्रौपदी देवी सुथार के द्वारा गौ पूजन गोपुष्टि कर्म किया गया। सानिध्य रहा गौ प्रेरक, गौ माता के परम भक्त पंडित मनोज पारिक वैदिक सीकर वालों का। पंडित मनोज पारिक वैदिक द्वारा उनके यहाँ पे करवाया जा रहा है अनुष्ठान। पंडित मनोज पारिक वैदिक ने अनुष्ठान के समापन पर गौ पुष्टि कर्म संपादित करवाया। साथ ही श्री डूंगरगढ़ के गौ सेवकों से आह्वान किया, किसी भी मंगल कार्य को शुरू करने पर या समापन होने पर गौ पुष्टि कर्म करने से गौ माता का आशीर्वाद लेना नितांत आवश्यक होता है और वो कर्म तभी परिपूर्ण होता है। सनातनी शास्त्र के अनुसार, सनातनी शास्त्र के अनुसार किसी भी मांगलिक कार्य की पूर्णता गौ माता की तृप्ति होना बहुत ही शुभ माना जाता है। उक्त गौशाला के संचालक संत लाल जी सोनी ने वैदिक को बताया, श्री डूंगरगढ़ में श्याम गौशाला का संचालन गत 9 वर्ष से हो रहा है। गौशाला में 300 गाय होने के बाद भी गौशाला को अनुदान से वंचित रखा जा रहा है। श्री वैदिक ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों से बात की और शीघ्र ही अनुदान शुरू करवाने को कहा गया। गौशाला के सुशील जी सोनी ने उक्त गौ पुष्टि कर्म के दौरान श्री वैदिक को बताया कि श्री डूंगरगढ़ में 7 गौशालाएं संचालित हो रही हैं, जिसमें जीव दया गौशाला सबसे बड़ी गौशाला है, जिसमें 2000 से अधिक गौवंश की सेवा भली प्रकार से की जाती है। बड़ा हर्ष का विषय है, श्री डूंगरगढ़ में हजारों गौवंश गौशाला में निवास करते हैं। इस कार्यक्रम में आसाराम जी सुथार, ओम प्रकाश जी सुथार, दुलाराम जी सुथार, छगनलाल जी दर्जी, नवीन सुथार, बजरंग जी, रोमेनिक कुसैन एवं गोपालक दंपति उपस्थित रहे। उपस्थित गो भक्तों द्वारा गौ माता की सेवा की गई गौ माता को गुड़ एवं अन्य खाद्य पदार्थों की परोसगारी की गई। साथ ही साथ वहां पर उपस्थित वरिष्ठ जनों का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। इसी के साथ साथ वहां के गोपालक दंपति का भी सम्मान किया गया। उक्त गोपुष्टि कर्म विधि विधान के साथ किया गया। गौ माता को चुनरी उड़ाई गई एवं गोपालक दंपति को भी साड़ी वस्त्र प्रदान किए गए। ऐसे पावन पुनीत अवसर पर अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक होता है। इसी के अंतर्गत अपने माता पिता के पांव धोकर के आशीर्वाद प्राप्त किया और इस तरह आज गोपूजन और गोपुष्टि कार्यक्रम का समापन हुआ। समस्त सनातन प्रेमी एवं गो भक्तों से निवेदन है कि जहां भी आपको गौ माता दिख जाए उसकी सेवा के लिए रहें तत्पर, क्योंकि गौ माता है हमारे सनातन की पहचान, हमारे सनातन की पहचान। पंडित मनोज पारिक वैदिक सीकर के साथ साथ इस गोपुष्टि कर्म के आयोजकों एवं समस्त गो भक्तों को हार्दिक बधाई एवं सुमंगल शुभकामनाएं इस समस्त कार्यक्रम की फोटोग्राफी रोमी निकू सैन कलर लैब के द्वारा की गई है। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आइए देखते हैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप जिसमें यजमान अपने माता पिता के पांव धोकर के आशीर्वाद ले रहे हैं। Thank you.